हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे iOS 18 के बीटा वर्जन से हम iOS 17 के स्टेबल अपडेट पर कैसे डाउनग्रेड करें विदाउट कंप्यूटर, विदाउट पीसी, विदाउट लैपटॉप आप, ठीक है। इस टॉपिक पर इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो मेरा नाम है मनीष और हमारे चैनल का नाम है ऑलवेज एप्पल प्रो, और एप्पल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इस टॉपिक पर बात करेंगे iOS 18 से iOS 17 पर कैसे डाउनग्रेड करें विदाउट पीसी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही अगर आपके पास पीसी वगैरह है, डाउनग्रेड करना चाहते हो, डेटा भी लॉस नहीं हो, तो इसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी पेड सॉफ्टवेयर आपको बाय नहीं करना, बिल्कुल फ्री है, मतलब ठीक है। कोई भी आपको यूट्यूब पे बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सॉफ्टवेयर बाय करो, ये सॉफ्टवेयर बाय करो, तो कोई भी बाय नहीं करना है, आईट्यून से करना है, आराम से कर पाओगे घर बैठे, और प्रोसेस जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है, और वीडियो जरूर चेक कर लेना। तो बहुत से लोगों ने iOS 18 का बीटा इंस्टॉल कर दिया है, जिनके पास लैपटॉप वगैरह भी नहीं है, अब उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि बीटा वर्जन के अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलती है, इसलिए हम ना बोलते हैं कि आप बीटा इंस्टॉल मत करो। बट अब जिन लोगों ने कर लिया है, उसके लिए सीधा शॉर्ट जवाब है कि अभी आप डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे, अभी आपको वेट करना होगा सितंबर तक, जब आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होगी, उसके साथ iOS 18 का स्टेबल अपडेट रिलीज होगा, इस दिन तक आपको वेट करना होगा, बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। विदाउट पीसी, विदाउट लैपटॉप आप अभी डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। जैसे बीटा 2, बीटा 3 जैसे अपडेट आएंगे, उनके अंदर इंप्रूव होके आपको देखने को मिलेंगे, जो iOS बीटा 1 में प्रॉब्लम थी वो बीटा 2 में सॉल्व होगी, फिर बीटा 3 आएगा, ऐसे जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी। बट अभी फिलहाल जो है, अभी डाउनग्रेड नहीं कर पाओगे। कब डाउनग्रेड कर पाओगे? जब iOS 18 का स्टेबल अपडेट रिलीज होगा, उस दिन आप डाउनग्रेड कर पाओगे। उस दिन कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल सेटिंग में जाना है, जनरल सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके बीटा अपडेट्स को ऑफ कर लेना है, और उस दिन आपको iOS 18 का जब भी जिस भी डेट को मिलेगा, उस दिन मैं वीडियो बना दूंगा आपको, और वहां पे वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने iOS बीटा यूज कर रहे हो और RC अपडेट भी मिल चुका होगा, उसके बाद कोई एप्पल नया अपडेट नहीं देगा, तो वही आपका iOS 18 का स्टेबल अपडेट होगा, और फिर जाके बीटा ऑफ कर दोगे, तो उसके बाद से आपको iOS 18 के जो स्टेबल अपडेट होंगे वही अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रोसेस वगैरह है, अभी आप वीडियो चेक करोगे चैनल बहुत सारे YouTube वगैरह पे सर्च करके, तो कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर बाय कर लोगे आप, कोई बोलेगा भाई आप ये बाय कर लो, होगा कुछ नहीं। इसलिए जो क्लियर है वो मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया। बाकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। पीसी लैपटॉप वगैरह है तो डाउनग्रेड कर दो, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।